डिंडोरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जय सिंह मरावी एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के सामने हैं। जय सिंह का मानना है कि पिछले 10 साल में कांग्रेसी विधायक ने विकास की जगह भ्रष्टाचार किया है। वे मानते हैं कि इस बार जनता केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को देखते हुए उन्हें अपना विधायक जरूर चुनेगी। जय सिंह से खास बातचीत की IBC24 के संवाददाता विश्वेश ठाकरे ने। भारतीय जनता पार्टी के डिंडोरी विधानसभा के प्रत्याशी जय सिंह मरावी इस समय हमारे साथ में है। मरावी जी, किन मुद्दों पर आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या नए मुद्दे हैं पिछली बार के अलावा, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पिछले 10 साल 15 सालों से यहाँ पर, उन्होंने क्या विकास आपके डिंडोरी में किया है? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 15 वर्षों से लगातार जनता के हित में, जनता के कल्याण के लिए काम किया है और उन योजनाओं से जनता प्रभावित है, जन जन प्रभावित है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने योजना लागू की है और उन योजनाओं से जनता खुश है, प्रसन्न है, और उन्हीं योजनाओं के माध्यम से हम चुनाव मैदान में हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता की उनके भावनाओं से ये लग रहा है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी और काफ़ी मतों से हम इस विधानसभा को लीड करके जाएंगे, जीतेंगे। मानते हैं पार्टी में एकता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आपके मंत्री जी हैं, पिछला चुनाव उन्होंने ही आपको भीतरघात करके ऐसा कुछ कराया था और इस बार भी आपके मंत्री जी पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं आपका? नहीं नहीं, माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मान सकते कि हमारे विरोध करेंगे वो। मैं ये मानता हूँ कि वो अपने चुनाव में व्यस्त होने के कारण जो है यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं। प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करता है और उसी तरह वो जैसा मैं प्रत्याशी हूँ आज वो भी प्रत्याशी। क्या ये मानते हैं 2 अप्रैल को यहाँ जो घटना हुई उसका असर चुनाव पर पड़ेगा? नहीं नहीं, 2 अप्रैल एक ओमकार मरकाम का एक षड्यंत्र है, यहाँ का विधायक कांग्रेस का विधायक था, उसका षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उससे हमारी जनता या इस क्षेत्र के जिले की जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए गाड़ी घोड़े सुविधा दिया और इकट्ठा करवा लिया, उससे भीड़ भगदड़ और उत्पात करने के अलावा कुछ किए नहीं 10 साल से। तो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जय सिंह मरावी ये मानते हैं कि इस बार जनता उनके साथ में है, देखना है कि जनता इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से चुने जाते हैं। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC24।